एशिया कप 2023 में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच ग्रुप बी का मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें कि ये इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला है। ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा और इसका टॉस 2:30 बजे होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच साल 2022 में एशिया कप का एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया था, जिसमें श्रीलंका की टीम ने चेस करते हुए मैच अपने नाम किया था और बांग्लादेश को सुपर चार की दौड़ से बाहर का रास्ता दिखाया था। श्रीलंका ने ही उस प्रतियोगिता को अपने नाम भी किया था और लंबे समय के बाद एशिया कप की विजेता सभी को हैरान करते हुए बनी थी। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच होने वाली इस जंग में अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल दोनों ही टीमें एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ दोनों ही एक जैसी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम फिलहाल ICC की वनडे रैंकिंग में जहां नंबर 8 पर है, तो बांग्लादेश इस रैंकिंग में नंबर 7 पर है। दोनों के बीच कुछ ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है। यहां पर ये देखने वाली बात है कि जीत के बाद दोनों को क्या देखने को मिलेगा। क्या श्रीलंका की तरफ से महेश थीक्षणा धनुष और तीर चलाते नजर आएंगे, या फिर बांग्लादेश नागिन डांस करके श्रीलंका को चिढ़ाती नजर आएगी। बताते चले कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक बेहद ही खतरनाक राइवलरी देखने को मिलती है। ये राइवलरी 2018 में हुई निधास ट्रॉफी के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराने के बाद नागिन डांस किया था। बताते चले कि श्रीलंका की टीम के पास कई बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त अनुभवी टीम के साथ एशिया कप में उतरने वाली है। बांग्लादेश के लिए एक बार फिर से लंबे समय के बाद शाकिब अल हसन वनडे में कप्तानी करते दिखाई देंगे। ऐसे में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका पर हावी पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो हाल फिलहाल में ये टीम अपने ख़राब दौर से ही गुजर रही है। एशिया कप 2022 जीतने के बावजूद भी इस टीम के ऊपर से संकट के बादल नहीं हट रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुकाबला एशिया कप का है तो ऐसे में दोनों के बीच टक्कर देखी जा सकती है। श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में उनके अहम खिलाड़ी उनके कप्तान दासुन शनाखा होने वाले हैं, तो वहीं बांग्लादेश के लिए उनके सबसे अहम खिलाड़ी उनके गेंदबाज रहेंगे। जी हां, बांग्लादेश के लिए अगर बल्लेबाज फ्लॉप भी हो गए तो उनके गेंदबाज इस मुकाबले में मैच खींच सकते हैं। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़कर ये मैच जीतता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।